ऑप्शन टू करेक्ट फॉर्म्स। ठीक है, कभी आपको सिर्फ एक वर्ब भी आ सकती है और उसको सही फॉर्म में लिखना रहता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इसमें से दो में से कोई एक लेनी है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या है। देखिए, अगर हम देखते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या करेंगे, हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में तो रखेंगे लेकिन उसके साथ में क्या लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। यदि वर्ब अगर हमको दिख रहा है कि जो सेंटेंस दिया है वो पास्ट का है तब हम क्या करेंगे, वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, और वर्ब में आई एन जी तभी लगेगा सिर्फ जब आपको हेल्पिंग वर्ब दी हो। ठीक है, अब टेंस पास्ट का है ये कैसे पहचानेंगे, ये प्रेजेंट के, ये वाले जो दोनों आ रहे हैं ये प्रेजेंट के हैं तो कैसे पहचानेंगे, है ना। तो आप ये एग्जांपल्स देख के भी समझ सकते हो और आप हेल्पिंग वर्ब देख के भी समझ सकते हो, अगर किसी में वॉज वर या इस तरीके से दिया हो तो समझ जाना कि आप पास्ट का है, या यस्टरडे दिया हो तो भी समझ जाना पास्ट का है। ठीक है, और जैसे द सन इन द ईस्ट, ठीक है, तो इसमें तो पास्ट का कुछ नहीं गया है, राइज या राइज है, तो आप पहला नियम देखो क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, वर्ब में एस ई एस, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सन, कैसा है ये अकेला सिंगुलर है इसलिए राइज आएगा कि राइजेस, क्या आएगा राइजेस, द सन राइजेस। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, इसमें हमको समझ में आ गया कि हमको पहला दूसरा तो नहीं लेना है क्योंकि ये प्रेजेंट का नहीं है बिल्कुल भी, कैसे पता चला, इट वॉज डार्क, है ना, रात थी तो क्या हुआ, टेक का आएगा कि टू, टू का आएगा सेकंड फॉर्म, टू का आएगा सेकंड फॉर्म, टेक का सेकंड फॉर्म, क्या आएगा यहाँ पर टू टू। अब तीसरा भी हमने देख लिया, ये यहाँ पर क्या मिल गया आपको, वॉज, वॉज है इसका मतलब है, देखिए उसमें क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगेगा, क्या आएगा वो या वेन, ये आएगा वेट, ये आया टू। आशु अ लॉट ऑफ मनी, अब इसमें तो वही समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, है ना, पर आप देखिए आशु कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए साथ में वर्ब कौन सी आती है, एस या यस। अब स्पेंड दिया है और स्पेंट दिया है तो वास्तव में तो अगर स्पेंड सब होता तो फिर हम उसको लिख देते, क्योंकि सिर्फ खाली स्पेंट तो नहीं चलेगा, खाली स्पेंट नहीं चलेगा ना, स्पेंट हो जाता तो हम ये लिखते, लेकिन ये तो सिर्फ स्पेंट है और स्पेंट तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आशु कैसा है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस ई एस होना जरूरी था, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वर्ब का सेकेंड आशु स्पेंट। अब ये वाला जो सेंटेंस है पांचवा, यहाँ पर हमको क्या मिल गया है, यस्टरडे, यस्टरडे मिल गया तो क्या ले लेंगे, सी की सा, सा, सा लेंगे सेकंड। सिक्स देखिए, ही इज फुटबॉल, अब यहाँ पर क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या आईएनजी वाला आएगा, प्ले तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, ही इज प्ले। रवि इज, अब इसमें भी वही आ गया, क्या आएगा, गो बी गोइंग, गोइंग आएगा। ही प्रॉमिस्ड द मनी टू रिटर्न, की रिटर्न्स, टू रिटर्न, क्या आएगा टू रिटर्न्स। ये अभी आप पढ़ोगे जीरन डोर, वो आएगा आपको इन्फिनिटी, पर वैसे भी आप समझ लेते कि क्योंकि रिटर्न्स तो हो नहीं सकता, प्रॉमिस्ड आया ना पास्ट में चला गया है ना, तो रिटर्न्स तो हो ही नहीं सकता। डॉग्स सेल्डम बाइट, कौन से वाले डॉग, ये एडजेक्टिव है, कौन से, बार्क डॉग्स की बार्किंग डॉग्स,
हाँ भौंकने वाले कुत्ते हाँ बहुत कम सेल्डम यानी कभी कभार बाइट यानी काटते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट है ना भौंकते रहते कुत्ते की आदत होती है लेकिन सभी कुत्ते काटते नहीं है कभी कभार वो काटते हैं तो क्या आएगा एडजेक्टिव है तो इसलिए क्या जाएगा बार्किंग इज अ गुड एक्सरसाइज स्विम या स्विमिंग स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग इज अ